हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भड़वा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। करेला नाम सुन के सबके मुंह चढ़ जाते हैं कि करेला कड़वा होगा, लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके से आप बना के देखिए, जिसे पसंद नहीं आता होगा वो भी करेला खाना शुरू कर देगा। और इसे बनाना कितना आसान है मैं आपको हर स्टेप बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। करेला भड़वा बनाने के लिए हमने 5 करेला ले लिया है मीडियम साइज के। इसे हमने धो लिया है। अब हम इसको काटना बताएंगे। तो हम एक नाइफ की मदद से दोनों साइड का पॉइंट काट देंगे। और हमें भड़वा करेला बनाना है तो ये जो ऊंचे नीचे पार्ट होते हैं उसे हम चाकू से हल्का हल्का निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं छीलना है, ऐसे हम हल्का हल्का पार्ट जो है उसे निकाल लेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम तेल में डालते हैं तो फ्राई करने में ये नीचे तक नहीं जाता, ये उठा हुआ पार्ट ही फ्राई होता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्राई नहीं हो पाता है। तो ज्यादा नहीं छीलना है हमें। अब देख सकते हैं मैं एकदम हल्का हल्का छील रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने करेले का हल्का हल्का ऊपर वाला पार्ट हटाया है। फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, जो ये ऊंठा ऊंठा पार्ट रहता है इसको हमने चाकू से हटा लिया है। तो ये चारों तरफ से एकदम स्ट्रेट हो गया है। अब हम नाइफ की मदद से इधर थोड़ा छोड़ देंगे, थोड़ा इधर, और बीच में ऐसे हम कट लगा लेंगे। ऐसे हम मसाला भरने का जगह बनाएंगे। तो ऐसे ही हम दूसरा करेला आपको काट के दिखा देती हूँ। ये ऊपर वाला हटा लिया, नीचे वाला। फिर हम इसको चाकू की मदद से ऐसे ऐसे धीरे धीरे निकाल लेंगे। और इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, हम इसका भी यूज बताएंगे आपको कैसे यूज करना है। तो हमने दूसरे करेले को भी अच्छे से ऊपर से पील कर दिया है। अब हम इसका कट भी दिखा देते हैं। तो हम इधर थोड़ा सा छोड़ देंगे और इधर भी बीच में हम ऐसे चाकू से कट लगाएंगे। तो ये वाली जो स्पेस है ये अपना भरने का स्पेस है। तो इसको हम चम्मच से इसका बीच वाला गुद्दा कैसे निकालेंगे वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इसके बीज का सीड निकाल लेंगे। तो इसमें जो हार्ड वाली सीड होगी वही हम निकालेंगे, नहीं तो बाकी तो मसाले के साथ अच्छा ही लगता है। तो हम जो हार्ड वाली सीड है उसे कोशिश करेंगे कि निकाल लें। थोड़ा सावधानी से निकालिए, इसमें बीच में कट नहीं लगना चाहिए। तो हमने ये करेले को साफ कर लिया। ये दूसरा वाला करेला आपको दिखाती हूँ। ऐसे हम वो फैला देंगे, इस स्पून के पिछले हिस्से से सीड को निकालने की कोशिश करेंगे। जो हार्ड वाली सीड है उसे हम फेंक देंगे और जो नरम वाली है उसे हम यूज कर लेंगे। वो मसाले के साथ टेस्टी लगता है। तो हमने दूसरे करेले का भी सीड निकाल लिया। हमने सभी करेले का ऊपर का छिलका हटा लिया, सीड को निकाल लिया। अब हम इसे एक बॉल में लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक
और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और जो हमने ये छिलका उतारा है इसमें भी थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। फिर हम एक चम्मच की मदद से इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, करेला अपना पानी छोड़ेगा और इसमें जो कड़वा पानी होता है वो नमक के साथ निकल जाएगा। फिर हम इसे साफ कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो हमने छिलके को मिला लिया, अब हम ये करेले में नमक हल्दी अच्छे से मिला दे रहे हैं। चारों तरफ ये हल्दी नमक का पेस्ट लग जाना चाहिए। अब हम इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जब तक हल्दी नमक करेले से कड़वा पानी निकाल रहा है तब तक हम गैस की तरफ चलेंगे और मसाला तैयार करेंगे। गैस पे हमने एक कढ़ाई लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें जीरा, सौंफ, राई, कलौंजी का फोरन डालेंगे। तो इन सारे फोरन को हम एक साथ में डाल देंगे और हल्का सा चटकने देंगे, ज्यादा नहीं चटकाना है। फोरन चटकने लगा है, अब हम इसमें आधा चम्मच हींग डाल देंगे और हम फोरन को चला लेंगे, नहीं तो मस्टर्ड जो है वो उड़ता है, चलाने से वो उड़ता नहीं है। फोरन से खुशबू आने लगी है, इसका मतलब फोरन चटक चुका है। तो हम एक दो बड़ा प्याज जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है उसे डाल देंगे और इसे हम 6-7 मिनट तक ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने 4 मिनट तक भूना है। हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो हमने 2 चम्मच डाल दिया और 4 मिनट तक प्याज के साथ इसे भी भूनेंगे। प्याज भी भून जाएगा, अदरक लहसुन भी भून जाएगा। हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखना है और चलाते हुए भूनना है। प्याज लहसुन को हमने भून लिया है, अब हम चलते हैं करेले की तरफ जिसमें हमने नमक मिर्च लगा रखा था। तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर दे रहे हैं जिससे कि प्याज लहसुन जले नहीं। तब तक हम करेले का छिलका धो लेते हैं। बॉल में हमने पानी ले लिया है और यहाँ पे जो हमने छिलके में हल्दी नमक लगाया था तो आपको दिखा दे रही हूँ इससे करेले में से कितना पानी छोड़ा है। अब इसे हमें फ्रेश पानी में धो लेना है। तो ऐसे हम सभी छिलके को डाल देंगे और हाथ से ऐसे मसलते हुए छिलके को धो लेंगे। और छिलके को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे छान लेंगे और मुट्ठी से हम इसे प्रेस करते हुए जितना पानी हो सके निकाल लेंगे और एक प्लेट में इसे हम रख लेंगे। फिर एक बार ऐसे हम छिलके के हाथ में निकाल लेना है पानी को निकाल के। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो जो प्याज लहसुन हमने भून रखा है उसमें करेले के छिलके को डाल के और इसे भी 4-5 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि ये फिलिंग में काम आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है और इसका विटामिन भी अपने पास ही रह जाता है, फेंकना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसे 4-5 मिनट तक प्याज के साथ भून लें। प्याज के साथ हमने करेले के छिलके को भी भून लिया है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर। तो मिर्च पाउडर आप अपने तीखा के अनुसार डालिए, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मात्रा बढ़ा सकते हैं।
एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालते टाइम आप ध्यान रखिए, हम करेले में भी नमक पर्याप्त मात्रा में डाल के पानी छोड़ने के लिए रखे थे, तो थोड़ा सा नमक उसमें भी रहता है, तो हम उसी अंदाज से मसाला में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है। मसाला को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें 2 बड़ा टमाटर डाल देंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है, और इसे हम 3 से 4 मिनट तक यानी कि टमाटर गलने तक पका लेंगे। तो टमाटर डालने के बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे, इससे टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, तो हम 2-3 मिनट तक कवर कर देंगे। बीच बीच में देख भी सकते हैं, मसाला जलना नहीं चाहिए। तो चलिए हम मसाला दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हैं अपना प्याज टमाटर यानी कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल चुके हैं और मसाला एकदम अच्छी तरीके से भून चुका है। हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं रखना है। फ्लेम को तेज करके चलाते हुए इसे सूखा सूखा तैयार करना है, क्योंकि इस मसाला को हमें करेले में फील करना है। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम लास्ट स्टेज पे डालेंगे अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे आप चाहें तो कच्ची केरी हो उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, या तो कोई घर में खट्टा अचार हो उसे भी डाल सकते हैं। हमने अमचूर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाला में। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम करेला को धो लेंगे। हमने करेले में हल्दी नमक लगा के रखा था, तो एक बार आपको दिखा दे रही हूँ कैसे एक कड़वा पानी निकाल दिया है नमक हल्दी ने। अब हम क्या करेंगे, इस बॉल में भर के पानी डाल लेंगे और करेले को हम घुमा घुमा के इसके बीच वाले पार्ट को अच्छे से धो लेंगे। इससे एक तो एक्स्ट्रा नमक निकल जाता है और करेले का कड़वापन भी कम हो जाता है। तो ऐसे हम अंदर हाथ लगा लगा के सारे करेले को अच्छे से वाश करेंगे। हमने सभी करेले को अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करेला को उठाएंगे और ऐसे मुट्ठी से दबा के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। जितना हो सके पानी हमें निकाल देना है और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। फिर एक एक करेला उठाएंगे और इसका पानी अच्छे से निकाल के और रखते जाएंगे। करेला में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। हमने सभी करेले को पानी से निकाल लिया है। अब हम जल्दी बनाना है तो इसे एक तौलिया से पोंछ लेंगे, और थोड़ा लेट बनाना है तो ऐसे भी ये सूख जाता है। करेले को हमने पानी निचोड़ के प्लेट में सुखा लिया और हमने मसाला को एक बॉल में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसको भरना सिखा देते हैं। करेले के मुंह को ऐसे फैला लेना है और एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसमें डालना है। ऐसे हम जितना आ सके मसाला उतना भरेंगे। एक्स्ट्रा मसाला हम चम्मच की मदद से ऐसे निकाल लेंगे। तो चलिए हम दूसरा करेला भी भर लेते हैं। ऐसे मुंह को फैला लेंगे, फिर चम्मच से लेंगे और इसमें धीरे धीरे फिक करेंगे। चारों तरफ दबाते हुए हमें भरना है, कोई भी एरिया खाली नहीं रहनी चाहिए। और ऐसे हम दबाएंगे, एक्स्ट्रा मसाला हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सभी करेला को भर लेंगे। हमने सभी करेले को अच्छे से भर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे।
गैस पे हमने एक फ्राई पैन रख लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे, पैन गरम होने देंगे और इसमें हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पे आप जो तेल खाते हैं उसमें फ्राई कीजिए। तेल को अच्छे से फैलाते हुए गरम होने देना है। आप देख सकते हैं हमने तेल को फैला लिया, फ्लेम को स्लो कर लिया। अब हम इसमें करेला डालेंगे। हम धीरे धीरे एक एक करेले को ऐसे छोड़ देंगे। इसे हम चलाते हुए उलट पलट के फ्राई करेंगे। करेला गर्म हो गया है, अब हम इसे कवर करके दो दो तीन तीन मिनट पर उलट उलट के फ्राई करेंगे। यानी कि 15 से 20 मिनट में हमें चार पांच बार उलटना है और करेले को अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए हम एक बार करेला देख लेते हैं। करेला को हम धीरे धीरे घुमाएंगे। एक साइड से अपनी करेला जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम दूसरे साइड को ऐसे घुमाएंगे। सभी करेला को हम धीरे धीरे घुमा लेंगे। आप देख लीजिए ये करेला है सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि अच्छे से फ्राई हो चुका है। दूसरे साइड से घुमा घुमाते रहते हैं। दूसरे साइड से भी हम कवर करके 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो चलिए हम आपको करेला दिखा देते हैं। करेले को हमने चलाते हुए 20 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई किया है। करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ज्यादा दबाव में तो टूट जाएगा। एकदम अच्छे से करेला फ्राई हुआ है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। करेले का हमने प्लेटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया भड़वा करेला हमने कितना इजी तरीके से बनाया है। ये देखने में कितना सुंदर, खाने में स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।